अलगम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल एग्जी लिटरेचर पे पर कहती हूँ सब्जेक्ट है हमारा एडवांस एक्डेमिक रीडिंग एंड राइटिंग जो मेजर है दैट इज़ राइटिंग अबाउट ड्रामा थीम प्लॉट एंड करेक्टाइजेशन ट्रेजडी एंड कॉमेडी हमने थीम्स को भी डिस्कस कर लिया प्लॉट एंड करेक्टाइजेशन को भी डिस्कस कर लिया आज हम ट्रेजडी एंड कॉमेडी के बारे में बात करने चाह रहे हैं तो राइटिंग अबाउट ट्रेजडी एंड कॉमेडी इन ड्रामा

कैटेगराइज़ कर देना जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी क्वालिटी की बेस पे हम किसी भी चीज़ को एक क्लास के अंदर एक कैटेगरी के अंदर रख देते हैं उसको हम लोग गैन ड्रा कहते हैं लिटरेचर में भी ऐसा ही होता है लिटरेचर में हम लोग अगर कोई कॉमिक चीज़ है उसे कॉमेडी में, में रख दिया ट्रेजिक चीज़ है उसे ट्रेजेडी में रख दिया जो कॉमिक और ट्रेजेडी दोनों के एलिमेंट कैरी करता है उसको ट्रेजा कॉमेडी में रख दिया ठीक है तो इस तरह से ही जो ट्रेजेडी है उसके अलग एलिमेंट्स हैं कॉमेडी के अलग एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी क्या होता है हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन पहले ट्रेजेडी क्या है ये एक ऐसा य है लिटरेचर के अंदर जो कि प्रोटैगोनिस्ट के डाउनफॉल को वो डाउनफॉल या तो ट्रेजिक फ्लो से हुआ या मिस्टेक की वजह से हुआ है उसको देखता है जो प्रोटेगोनिस्ट होता है इसके अंदर वो मोस्टली क्या होता है नॉबल क्रैक्टर होता है या फिर एक एडमायरेबल करेक्टर होता है जिसको अपनी लाइफ में मिसफॉर्चून या सफरिंग फेस करना पड़ती है और एंड पे क्या होता है उसका ट्रेजिक एंड होता है ठीक है और जो ट्रेजडीज होती हैं वो सीरियस टोन रखती हैं ह्यूमन सफरिंग को एक्सप्लोर करती हैं कथार्थिकथार्थिक इफेक्ट रखती हैं वो अपनी ऑडियंस के ऊपर अब मतलब मैंने जो बताया इसमें क्या देखा हमने कि ट्रेजेडी क्या होती है इसके अंदर एक जो पर्सन होता है वो हायर रैंक से या नोबल रैंक से बिलोंग करता है उसमें कोई ना कोई हिमाशा यानी कि अर यानी कि कोई ना कोई इसके अंदर नेगेटिविटी ऐसी होती है जो कि उसके डाउनफॉल का कोज बनती है ठीक है कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ उसके अंदर होता है उसके अंदर जो उसके डाउनफॉल का कॉज बनते हैं उसको सफ़र करना पड़ता है या उसको कोई ना कोई मिसफॉर्चून की कोज के ऊपर सफ़र करना पड़ता है ठीक है तो एंडिंग क्या होती है ट्रेजिक होती है मोस्टली यह ट्रेजिडी के अंदर डेथ सी होती है या केस होता है दुख दिखाई देता है उसको रीडर जो है इफेक्ट मतलब क्या होता है कि रीडर जो है उसको देखता है उसको डर आता है कि कहीं मेरे साथ होता तब फिर उसको लगता है कि शुक्र है मेरे साथ नहीं हुआ इसको कहते हैं इत इफेक्ट ठीक है जो चीज़ आप देखो आप उसको फील करो ठीक है और अगर आप ट्रेजडी देख के ट्रैजिक फील करते हो तो इट मींस जो राइटर है उसका अपना जो पर्पज़ है वो पूरा हो गया आप भाई जी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ट्रेजडी के ट्रैजिक हीरो ट्रेजिक हीरो मतलब एक करेक्टर जो कि हायर रैंक से बिलोंग करता है उसमें ट्रेजिक फ्लो हो या फैटल मिस्टेक हो फिर एक तारस यानी कि परगेशन होना क्लिजिंग होना इमोशंस की एक्सपीरियंस की जो कि ऑडियंस ने थ्रू आउट ट्रेजिक हीरो की सफरिंग को देख के फेस की सीरियस टोन और जो ट्रेजेडी होती है वो एक सॉम्बर ग्रेव एटमोसफेयर के ए, प्लेस में लिखी जाती है उसमें सीरियस टोन सीरियस राइटिंग सीरियस एटमोसफेयर दिखाया जाता है और ट्रेजिक इवेंट्स के ऊपर एन्फोसाइज किया जाता है थीम ऑफ सफरिंग एंड डाउनफॉल ठीक है मोस्टली ट्रेजेडी के अंदर सफरिंग का थीम मिस फॉर्चून का थीम डाउनफॉल ये सब कुछ दिखाया जाता है और जो प्रोटोगोनिस्ट है उसको अपने ग्रेटनेस से नीचे की तरफ आना पड़ता है ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट जो कन्फ्लिक्ट होता है वो ऑटो अल्टीमेटली जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसको डाउनफॉल की तरफ लेके आता है फिर फटलिस्टिक एटमोसफियर फेट का रोल दिखाया जाता है ट्रेजडीज के अंदर सिम्बोलिज्म और फोर इनका यूज़ किया जाता है ट्रेजडीज के अंदर ये मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स बताए ट्रेजडी के इसके अलावा अगर आपने डिटेल देखनी है कि मॉडर्न ट्रेजडी कैसे लिखी जाती है क्लासिकल ट्रैजडी कैसे लिखी जाती है तो मैंने रेमंड विलियम का एक लेक्चर बनाया हुआ है मॉडर्न ट्रेजडी बा रेमंड विलियम आप वो देख सकते हैं जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है लेकिन हम लोगों ने भी सब्जेक्ट लिमिटेड रहना है अब कॉमेडी क्या कौमेड़ी है कॉमेडी एक कंट्रास्ट यहा है ट्रेजडी का जहाँ ट्रेडडी में दुख होता है लाइक मिसफॉर्चून होता है ओन ऑन कंट्री कॉमेडी के अंदर क्या होता है मेन पर्पस ऑडियंस को हंसाना है ठीक इस है इसमें जो लाइट हार्टेड ह्यूमर है हैप्पी एंडिंग्स हैं स्टॉक करेक्टर्स दिखाए जाते हैं और कॉमेडीज़ के अंदर ह्यूमर का यूज़ करते हुए जो ह्यूमन फोलीज हैं सोशल नॉर्म्स हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता है उनको भी एक्सपोज किया जाता है फर्दर दे कैन प्रोवाइड अ मस्ट नीडिड डिस्पार्ट फ्रॉम द सीरियस कंसर्न ऑफ लाइफ क्लियर जैसे कि गुलीवर्स ट्रैवल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉमेडी की भी इसमें सेटायर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है टू एक्सपोज ह्यूमन फूलिस इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं जी ह्यूमरस डायलॉग एंड सिचुएशन इसमें विटेड डायलॉग का वर्ड प्ले का यूज़ किया जाता है फिजिकल ह्यूमर का यूज़ किया जाता है ठीक है ताकि ऑडियंस को वसाया जाए हैप्पी एंडिंग्स होती हैं ठीक है और रेजोल्यूशन दैट ब्रिंग्स अबाउट अ सेंस ऑफ एंड क्लोजर विद द करेक्टर्स ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड अचीविंग देयर डिजायर्स, ठीक है करेक्टर्स जो है वो रेजोल्यूशन के अंदर यानी बिल्कुल एंडिंग पॉइंट जो हमने प्लॉट में डिस्कस किया वहाँ पे आके सेंस ऑफ सेटिसफेक्शन लेके आते हैं ठीक है थीके? और इसमें क्या होता है जितनी भी रुकावटें होती हैं ऑप्शिकल्स होते हैं वो सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है अपने गोल्स को अचीव कर चुके होते हैं करेक्टर्स लाइट हार्टेड टोन इसमें बहुत लाइट हार्टेड टोन चेयरफुल एटमोसफेयर करिएट किया जाता है ठीक है क्योंकि ट्रेजेडी में सीरियसनेस थी यहाँ पे सीरियसनेस नहीं होती यहाँ पे प्लेफुल और चेयरफुल एटमोसफेयर होता है फिर थीम्स ऑफ ह्यूमन फुलीज एंड सोशल नॉर्म्स इनको हाईलाइट किया जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ ठीक है आइडेंटिटीज़ यहाँ पे जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ क्रिएट की जाती हैं मिसअरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं ताकि कॉमिकल इफेक्ट्स आए ठीक है कन्फ्यूजन और हलैरिटी क्रिएट की जाए उनको यूज़ करके सिचुएशनल आयरनी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आयरनी क्रिएट की जाती है ठीक है, आए, irony, uh, है, उपर, है यानी टोन की बात की जाए ट्रेजेडी में सीरियस सोम्बर थी कॉमेडी में लाइट हार्टेड और ह्यूमरस है थीम की बात की जाए ट्रेडडी में ह्यूमन सफरिंग की बात की गई डाउनफॉल की बात की गई कॉमेडी में ह्यूमन फुलीस और सोशल नॉर्म्स की बात की जाती है एंडिंग की बात की जाए ट्रेजडी में ट्रेजिक और ऑफन डील विद डेथ ठीक है डेथ की बात की जाती है जबकि कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है और मैरिज दिखाई जाती है मोस्टली इफेक्ट की बात की जाए तो उसमें ऑडियंस के ऊपर कैथारसिस और पीटी एंड फेयर का इफेक्ट था जबकि कॉमेडी में लाफ्टर एंड अम्यूजमेंट का इफेक्ट है करैक्टर की बात की जाए तो उसमें ट्रेजिक हीरो होता है नोबल बट फ्लॉड अब यहाँ पे कॉमेडी में करैक्टर कैसे होते हैं स्टॉप करेक्टर्स होते हैं लेकिन स्टीरोटिपिकल होते हैं कन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो उसमें ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि डाउनफॉल की तरफ लेके जाता है जबकि कॉमेडी के अंदर कन्फ्लिक्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टेकन आइडेंटिटीज दिखाई जाती हैं एटमोसफेयर ट्रेडिक के अंदर हमने देखा फैटलिस्टिक था सेंस ऑफ डूम दिखाया जाता है उसमें जबकि कॉमेडी के अंदर लाइट हार्टेडनेस और चेयरफुलनेस दिखाई जाती है सिम्बोलिज्म की बात की जाए तो ट्रेजडी में सिम्बॉलिक इमेजरी और फोर शेडोइंग की टेक्निक दिखाई जाती है जबकि जो कॉमेडी है उसमें कैरी कैचर और एग्रेजन दिखाया जाता है लैंग्वेज ट्रेजडी के अंदर एलिवेटेड और पोइटिक होती है जबकि कॉमेडी के अंदर लैंग्वेज कोलिक्वल और विटी दिखाई जाती है क्लियर ये था ट्रेजेडी एंड कॉमेडी के एलिमेंट्स कुछ और ये ट्रेजेडी और कॉमेडी क्या होता है इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होगी अब हम बात करते हैं टू राइट अबाउट देम लिखना कैसे इनके बारे में तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है नंबर वन है जी आइडेंटिफाई दैनरा Begin by clearly identifying whether the play you are analyzing is a tragedy or a comedy. Consider the overall tone, the nature of the conflict, and the character arcs and the ending. A tragedy typically involves a protagonist's downfall, serious themes, and somber mood, while a comedy aims to entertain with light-hearted humor, happy resolution, and stock characters. तो यहाँ पे कहा गया कि पहले आप यनरा को आइडेंटिफाई करो कि यनरा कौन सा है उसमें टोन आपको टोन उसकी नेचर ऑफ कंफ्लिक्स उसके कैरेक्टर्स आग उसकी एंडिंग बता देंगे कि कौन सा है यनरा आइडेंटिफाई करने के बाद कहते हैं जी एनालाइज करें आप प्लॉट को ठीक है कि प्लॉट का स्ट्रक्चर कैसा है क्योंकि प्लॉट का स्ट्रक्चर जो है वो बताता है आपको कि स्टोरी कैसे प्रोसीड कर रही है प्लेराइट ने कैसे टेंशन को सस्पेंस को सस्पेंस सस्पेंस को और ह्यूमर को क्रिएट किया है पोइट्री अपने राइटिंग के अंदर ट्रेजिडी का जो प्लॉट होता है उसमें जो राइजिंग एक्शन है वो क्लाइमेक्स की तरफ जाता है फिर उसके बाद फॉलिंग एक्शन आता है फिर ट्रेजिक रेजोल्यूशन होता है जबकि कॉमेडी में क्या होता है प्लॉट में सीरीज ऑफ मिसअरस्टैंडिंग दिखाई जाती हैं उसमें मिस्टेकन आइडेंटिटीज दिखाई जाती हैं कॉमिकल सिचुएशन दिखाई जाती है जिसके साथ हैप्पी एंडिंग होती है फिर आता है जी थर्ड पार्ट विच इज़ एक्सप्लोर करैक्ट्राइजेशन हमने इसमें करैक्टर्स की पर्सनैलिटीज़ को उनकी मोटिवेशन को उनके रिलेशनशिप्स को देखना होता है ट्रेजडी में जो करैक्टर होता है वो अनोबल और एडमायरेबल होता है जिसमें ट्रेजिक फ्लो होता है और वो क्रिटिकल मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ता है जबकि कॉमेडी के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो एक्जेटरी और स्टीरियोटिपिकल होते हैं जो कि ह्यूमन फूलिस का और सोशल नॉर्म्स का एक रिफ्लेक्शन होते हैं और वो रिफ्लेक्शन उनके डायलॉग्स में उनके एक्शन में नजर आता है देन फोर्थ स्टेप है हमारा एग्जामिन ड्रामेटिक डिवाइस हमने ड्रामेटिक डिवाइस को एग्जामिन करना है कि कौन सी डिवाइस यूज़ करके ट्रैजिक और कॉमिक इफेक्ट को प्रोड्यूस किया गया राइटिंग के अंदर ट्रेजिडी में सिम्बलिज़म इमेजरी फोर्स शेडिंग की टेक्निक यूज़ in की जाती है जिनसे सेंस ऑफ डूम और इन इनविटेबिलिटी क्रिएट की जाती है जबकि कॉमेडी के अंदर वर्ड प्ले फिजिकल ह्यूमर सिचुएशनल आयरनी इनका यूज़ किया जाता है तक ताकि लाफ्टर और अम्यूजमेंट क्रिएट किया जाए फिर है कंसिडर द इमोशनल इम्पैक्ट हमने इमोशनल इम्पैक्ट देखना है ट्रेजेडी के अंदर जो ऑडियंस है उनको पिटी और फेयर फील फेयर फील करवाया जाना इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ठीक है कैथारसिस भी हो इमोशनल पर्जिंग भी हो उसके अंदर जबकि कॉमेडी के अंदर मेन क्या है पर्पज़ लाफ क्रिएट करना इंटरटेन करना और सोशल और ह्यूमन फिलीज जो है फॉर्बल्स जो हैं उनको स्टायर करना स्पॉट एनालिसिस अपने एनालिसिस को आपने कोटेशन के थ्रू मल्टीपल एविडेंस के थ्रू प्लॉट पॉइंट्स के थ्रू प्रूव करना होता है करेक्टर के इंट्रैक्शन के थ्रू प्रूव करना होता है ड्रामेटिकल डिवाइस यूज़ करके आपने इलस्ट्रेट करना होता है अपने एनालिसिस को ठीक है और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो बाइस्ड ओपिनियन है वो नहीं देने पर्सनल ओपिनियन जो है उनको अवॉइड करना है फिर है कंस्ट्रक्ट अ थीसिस स्टेटमेंट आपने थीसिस स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है जहाँ पे जो थीसिस है वो आपके यानरा ऑफ द प्ले आपके की एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी और कॉमेडी जो आपने यूज़ किए हैं वो सारा कुछ इंडिकेट करें फिर स्ट्रक्चर करना आपने ऐसे को आपने अपने ऐसे को कोहेरेंट वे में यानी कि कोहेरेंट का मतलब होता तो है चेन की तरह जुड़े हुए हो कोहेरेंट वे में आपने ऐसे को प्रेजेंट करना है आपके जो सेंट्रल आर्गूमेंट्स हैं ऐसे कि आपने उनको समराइज करना है ठीक है आपने स्पेसिफ़िक रहना है जितने भी आपके स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं आपके ऐसे के आपने उनको हाईलाइट करना है ठीक है तो आप पैराग्राफ्स के में ट्रांजिशंस को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि फ्लो ऑफ आइडियाज रहे और क्लियर आइडियाज़ रहे देन है जी लास्ट वन विच इज़ कंक्लूजन कंक्लूड विद इनसाइड आपने अपने कंक्लूजन के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं आपके ऐसे के और जो फाइनल रिफ्लेक्शन दे ऐसे को उसकी सिग्निफिकेंस बताए ट्रेजडी हो या कॉमेडी हो ड्रामा के अंदर उनको आपने लाजमी स्टेट करना है और डिस्कस करना है हाउ डिज यू कंटिन्यू टू रेजोनीट विद ऑडियंसिस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लियर तो बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन राइट अबाउट कॉमेडी एंड ट्रेजेडी हमारे यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हुआ आई होप कि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इनके क्लियर हो चुके होंगे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिए दुआओं में खास याद रखना ना भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टेट यूनिट केयर